हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल में प्रोग्रामिंग कैसे करें, वो कौन सा ऐप है जो हमें मोबाइल में प्रोग्रामिंग करने के लिए इनेबल करता है, मतलब मोबाइल में हम उस ऐप के का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग कोई भी ऐप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से। जो भी एंड्रॉयड यूज करते हैं वो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं। तो प्ले स्टोर में हम जाएंगे, प्ले स्टोर आपको दिख रहा होगा, प्ले स्टोर ये है। प्ले स्टोर में जाएंगे हम और यहाँ से सर्च करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है डिकोडर, डी कोडर, इसे सर्च करेंगे। देखिए आ गया, जो पहला वाला आ गया यही ऐप है, ठीक है। ये ऐप आपको दिख रहा है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेना है, ये थोड़ा सा समय लेगा, अगर नेट आपका 5G तो काफी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, ये डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉलिंग में चला गया, थोड़ा सा समय इसमें भी लगता है। चलिए, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे हम ओपन करते हैं। तो ओपन ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद इसमें आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बोलेगा, आप इसे स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, स्किप नीचे से, नीचे में स्किप है, यहाँ से स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद यहाँ बोल रहा है कि आपको साइन इन करना होगा, ठीक है। तो या तो फेसबुक का यूज करके साइन इन कर सकते हैं या गूगल का यूज करके साइन इन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, गूगल का यूज करके हम साइन इन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये गूगल का यूज करके तो कोई एक ईमेल आईडी दे दीजिए जो आपके मोबाइल में है ऑलरेडी, एक ईमेल आईडी तो होता ही है मोबाइल में, उसी ईमेल आईडी का यूज करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए पूरी तरह से खुल चुका है, इसका इंटरफेस इस तरह से आता है। अब आपको कोडिंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पहले से कोड आ गया है, ये सब लिस्ट आ गया है, ये सब ऑलरेडी हम पहले प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे आ गया है। लेकिन आपको क्या कोडिंग, आपको कोडिंग करना है ना, तो आपको कोडिंग स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्ट करने के लिए, कोडिंग स्टार्ट। तो कोडिंग स्टार्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है कि सिंगल फाइल बनाना है, तो आप सिंगल फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मतलब क्रिएट फाइल, ये सिंगल वाले सेक्शन में ही हम लोगों को क्लिक करना है, तो क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है। तो ये पूरा लिस्ट आ गया, लेकिन इसमें जावा, सी प्लस प्लस, सी ये सब दिखा रहा है, तो हमें एक्चुअली हमें किस पे काम करना है, सी पे। तो सी प्रोग्रामिंग ये है, तो हम किस इसी पे क्लिक करेंगे, सी पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जब से सी पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे फाइल नेम मांगेगा, पहले ही आपको एक फाइल नेम दे देना होगा और उसी फाइल नेम से आपका ये प्रोग्राम सेव कर लेगा। तो चलिए हम फर्स्ट लिखते हैं, हो सकता है फर्स्ट नाम से पहले भी हम प्रोग्राम लिखे हों तो वो एक नाम से दो नहीं लेगा, तो इसीलिए हम वन वन कर दिए। अब डन कीजिए, यहां से क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब कहाँ क्लिक करना है आपको, नीचे क्रिएट, नीचे क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये ओपन होगा, देखिए आ गया पेज। अब यहीं पे आपको कोड लिखना है, तो क्लिक कर दीजिए अंदर, कीबोर्ड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आप कीबोर्ड से टाइप कर लीजिए अपने कोड को। तो देखिए पहले समझिए, हम इस पे समझाते हैं आपको कुछ। आप देख रहे होंगे कि एक ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो खुद से वो दे दिया है, वो प्रोग्राम क्या किया, वो खुद से दे दिया है, जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है,
ठीक है, इसको रन कराते हैं। देखिए, रन कराने के लिए आपके पास कॉर्नर में ग्रीन बटन है, हालांकि दिखाए थे हम, यहाँ पे देखिए ग्रीन बटन है, तो इसे क्लिक करके आपको क्या करना है, रन करना होगा। ठीक है, चलिए इसे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए रन हुआ। रन होता है ना तो नीचे आपका आउटपुट दिखता है, नीचे देखिए आउटपुट नीचे दिख रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड, प्रोग्राम में क्या है, बस कोड है हेलो वर्ल्ड, एक लाइन का कोड है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक लाइन का ये आउटपुट आया है, और ये जो प्रोसेस फिनिश्ड है ये अपने तरफ से वो दे देता है कि हाँ हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो एक मैसेज ये मोबाइल अपने तरफ से देता है, उसको इग्नोर करना है, वो आपके कोड में कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है जिसके वजह से प्रोसेस फिनिश्ड मैसेज आए। आपके प्रोग्राम में बस एक लाइन का कोड है प्रिंटेफ, तो प्रिंटेफ है तो प्रिंटेफ में हेलो वर्ल्ड है, तो वह हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो वो खुद से एक एक कोड दे देता है। अगर आपको उसमें कुछ बदलाव करना है, मतलब कि जैसे कि 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम, इस तरह का कुछ बनाना है, तो आपको फिर इसमें एडिट करना होगा। इसमें जाइए, आप एडिट कीजिए, जैसे कि वेरिएबल बनाना है इंट ए, ठीक है, और ए वेरिएबल में अगर कुछ असाइन करना चाहते हैं तो इक्वल टू करके 5 कर लीजिए, फिर एक वेरिएबल इसमें बना लीजिए, उस वेरिएबल का नाम बी दे दीजिए, और बी में भी कुछ वैल्यू डाल दीजिए 8, और फिर एक और वेरिएबल बना लीजिए जिसे हम सी नाम देंगे, और सेमी कोलन लास्ट में डालिए, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब एडिशन का काम करना है, तो सी इक्वल टू, मतलब सी में ऐड करके जाए तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ये मोबाइल का कीबोर्ड है, मोबाइल का कीबोर्ड पे टाइप करने में थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है, तो हम आप लोग को सजेशन देंगे कि अच्छा से प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है तो आप क्या कीजिए, एक OTG केबल ले लीजिए और एक कीबोर्ड खरीद लीजिए, 200 में कीबोर्ड देगा, 25-30 रुपये में OTG केबल देगा, तो उससे क्या होगा, आपको सहूलियत हो जाएगा थोड़ा सा टाइप करने में। इसमें मैसेज छोड़ना है हमें, तो एडिशन, ठीक है, एडिशन इक्वल टू क्या लगाते थे हम लोग, परसेंट डी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। देखिएगा, तब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होते ही वो रेड हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो कलर चेंज होता है आपको, आपके सहूलियत के लिए, ताकि इससे आपको अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ वो जो भी रेड है वो मैसेज ही है। और यहाँ पे किस किस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है, सी का, तो हमने सी लिख दिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो अब इसे यहाँ से काट दीजिए। देखिए अभी आउटपुट पुराना वाला दिख रहा है, तो आउटपुट पुराना वाला दिख रहा है, इसे आपको काटना होगा, तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस का एक एक निशान है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्लिक कर देते हैं, हट गया। अब फिर से रन बटन अवेलेबल हो गया, देखिए रन वाला बटन आ गया, अब इसे रन कीजिए, देखिए रन करते ही मैसेज आ गया, देख रहे हैं ना, वो ऐड कर दिया 8 और 5 को, और एडिशन इक्वल टू 13। तो अभी आपने क्या देखा कि मोबाइल में कैसे हम सी प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो एक दो और बातें हैं उसको हम बता देते हैं। हम लोग इससे पहले अभी कौन से एप्लीकेशन में रन कराते थे, तो लैपटॉप में टर्बो सी का यूज करते थे, तो वहाँ पे रिटर्न नहीं लगाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे इंट भी हम लोग नहीं लगाते थे, तो जब आप इंट नहीं लगाइएगा तो फिर रिटर्न लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मोबाइल में है ये ऑलरेडी वो इंट लगा कर देता है, इसीलिए रिटर्न 0 या रिटर्न 1 लगाना होगा आपको, मतलब रिटर्न के साथ कोई इंटीजर वैल्यू दिखाना होगा, तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना आपको,
जो मेन कोडिंग जो है बस उसमें आप दिमाग लगाइए। अब बस यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है CLR SCR फंक्शन का, और ना ही गेट CH फंक्शन का, तो वो फंक्शन का आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बाकी जो काम हम लोग वहाँ करते थे वो सब काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रोग्राम है हम डिकोडर ऐप में ही रन कराकर आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।